हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी एंड्रॉइड फोन में आप लोग जो कॉल स्क्रीन को कैसे चेंज कर सकते हो। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोज को मिस ना कर पाए। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जब भी हम कोई कॉल स्क्रीन फोन लेते हैं तो उसमें एक नॉर्मल कॉल स्क्रीन मिलती है जो कि कुछ लोगों को तो पसंद आती है बट कुछ लोगों को बिल्कुल भी यार पसंद नहीं आती। तो ऐसे में आप लोग जो अपने फोन में सेटअप कर सकते हो एक न्यू कॉल स्क्रीन, कैसे चलिए मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक फाइल की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। सिंपल सा उसके लिए आपको इस फाइल्स को ओपन करना है डाउनलोड करने के बाद में। एंड यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सारे नंबर्स वगैरह आपके आ जाएंगे। सिंपल आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद सिम सेटिंग्स वगैरह के आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। वर्डन एंड थीम्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को थीम्स सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी भाई आपको थीम्स पसंद आए आप वो वाली थीम्स यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो आपको पहले स्टाइल्स जैसे कि हार्ट वाला स्टाइल्स भी ले सकते हो, ये वाला ट्रांसपेरेंट लाइटिंग स्टाइल्स भी ले सकते हो भाई, एक से एक प्यारे एनिमेशन मिलेंगे, आपको जो पसंद आया वो ले लीजिएगा। जैसे कि मुझे खास करके ये वाला थोड़ा सा बेहतर लग रहा है तो इसको मैंने ले लिया। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐड वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसका क्या, taxbuddy.com के एक्सपर्ट्स हैं ना, they help me save tax up to 26%। इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स होते हैं, गलती हो गई तो नोटिस आ जाएगा, तब क्या करोगे, taxbuddy.com के पीछे भागते फिरोगे? गाइस देखो, टेक केयर ऑफ दैट टू, थोड़ा सा डाउन लग रहा है। ओके, अब फाइनली यहाँ से हमने इसको कट किया, सेटअप कर लिया, ठीक है, सेटअप हो चुकी है फाइनली। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को और भी चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि क्या करना है, बैक करेंगे, वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो वाले पे आप जाइए, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, काफ़ी सारी वीडियोज यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी, आपको जो भी पसंद आए आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी लवर्स टाइप वीडियोज हैं, यहाँ पे देखो ले जाए, मतलब एक से एक सॉन्ग्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, वो जो भी गाना आपका फेवरेट हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है। तो चलिए मैं इस वाले को कर लेता हूँ, ओके, एंड इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसके बाद मैं इसको सेट कर लूंगा। थोड़ी सी लोडिंग ले रही है दरअसल डाउनलोड होने में, एंड ये डाउनलोड हो भी चुके, ठीक है, ठीक है। और ऑल कॉन्टेक्ट पे इसको क्लिक कीजिएगा और ये फाइनली सेट हो जाएगा। ऐड वगैरह कुछ स्टार्टिंग में देखने को मिल सकते हैं, ये देखिए फाइनली, ठीक है, सेट हो चुका है। अब मैं अपने दूसरे फोन से इस फोन पे कॉल करता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई ये वर्क करती है या नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे हमने अपने फोन से लगा दी कॉल इस फोन के ऊपर और देखते हैं भाई कि ये वर्क करती है। और फाइनली तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टली आप उसको कॉल को रिसीव भी कर सकते हो। कॉल रिसीव करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, डायरेक्टली बात कर सकते हो, लाउड स्पीकर वगैरह कुछ भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है, वीडियो कॉल भी डायरेक्टली यहाँ से आप लोग कर सकते हो, काफी सारे फीचर्स यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोज को मिस ना कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।